बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफाइंड टर्म ऑफ इशूड कैपिटल के इशूड कैपिटल से क्या मुराद है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। द इशूड कैपिटल रेफर्स टू द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर आर इन्वाइटेड टू पीपल टू परचेज द शेयर इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। यानी इशूड कैपिटल वो कैपिटल होता है कि जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को शेयर अलॉट करती है या इशू करती है, या इसी तरह कंपनी लोगों को इन्वाइट करती है शेयर खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए, तो उन शेयर्स को हम इशूड कैपिटल कहते हैं। अब दूसरे अल्फाज में जो इशूड कैपिटल है इससे मुराद है कि जब कंपनी अपने शेयर होल्डर को या दूसरे लोगों को शेयर खरीदने के लिए ऑफर करती है तो उन शेयर्स को हम इशूड कैपिटल कहते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जांपल से एक समझते हैं कि एक कंपनी है उसके पास जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो है ₹1,00,000 और जो फेस वैल्यू या पार वैल्यू जो शेयर की है वो है ₹10,00,000। अब हमारे पास जो टोटल शेयर नंबर ऑफ शेयर आएंगे वो हमारे पास 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स। यानी एक कंपनी के पास जो टोटल शेयर है कंपनी इशू कर सकती है अपने शेयर होल्डर को या पीपल्स को, तो वो उनके पास 10,000 शेयर है। अब इस 10,000 शेयर में कंपनी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम जो है अपने शेयर होल्डर को 5,000 शेयर इशू कर लेते हैं और जो दूसरे लोग हैं उनको हम 2,500 यानी 2,500 शेयर इशू कर लेते हैं। कंपनी ने शेयर होल्डर्स को जो शेयर इशू किए वो 5,000 शेयर्स और जो दूसरे लोगों को यानी दूसरे लोग हैं उनको जो शेयर इशू किए वो है 2,500 शेयर्स। ये बेसिकली नंबर ऑफ शेयर्स है। अब जो इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास 7,500 टोटल शेयर आ गए जो कंपनी ने क्या किए इशू कर दिए। इसमें से 5,000 शेयर जो है वो किसको, वो शेयर होल्डर को इशू कर दिए और इसी तरह 2,500 जो है वो क्या किए, वो दूसरे लोगों को कंपनी ने इशू कर दिए। तो इस तरह कंपनी के जो टोटल इशूड कैपिटल आ जाएगा यानी जो शेयर इशू किए हैं उससे जो वो अमाउंट कैपिटल जो कलेक्ट करेगी कंपनी वो इशूड कैपिटल कहलाएगा।